देश में पुरानी कार चलाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ सकती है। संभव है कि अब 15 से 20 साल पुरानी कारों को भी आप चला सकेंगे, आप सड़कों पर दौड़ा पाएंगे। ये खबर उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी कार को अच्छे से मेंटेन किया है। सरकार स्क्रैपिंग पॉलिसी में कारों के अनिवार्य डी रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी उम्र नहीं बल्कि फिटनेस को आधार बनाने पर विचार कर रही है। केंद्र की स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत 15 साल से पुरानी कमर्शियल और 20 साल से पुरानी प्राइवेट कारों को डी रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। राजधानी दिल्ली में तो ये नियम और सख्त है। दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को अनिवार्य रूप से डी रजिस्टर कराना होता है। अब राहत की बात यह है कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने गाड़ियों की एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी में बदलाव के संकेत दिए। अगर ये नियम लागू हुआ तो कारों की उम्र नहीं बल्कि फिटनेस अब मायने रखेगी। एक अनुमान के मुताबिक देश भर में इस वक्त लगभग 1,20,00,000 से अधिक पुरानी गाड़ियां हैं। इस नियम के मुताबिक ये कार स्क्रैप के लिए तैयार हैं, जबकि सरकार की तरफ से सर्टिफाइड स्क्रैपेज सेंटर में 2023 में सिर्फ 44,000 गाड़ियां स्क्रैप की गई है। 1,20,00,000 गाड़ियां स्क्रैप के लिए तैयार हैं, लेकिन स्क्रैप सेंटर में मात्र 44,000 गाड़ियां पहुंची हैं। ऐसे में अगर सरकार पॉलिसी में बदलाव करती है तो इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। देश में स्क्रैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार नहीं है। ऐसे में अगर सरकार पॉलिसी में बदलाव करती है तो इससे उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जिनकी कार भले ही पुरानी हो गई हो लेकिन वो अपनी गाड़ी का पूरा ख्याल रखते हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर वो इन गाड़ियों को भी सड़कों पर दौड़ा सकेंगे भले ही गाड़ी 10 से 15 साल पुरानी क्यों हो।